जब सांझ हुई उसी दिन हाँ। जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? अरे बाप रे, आंधी तूफान धपाक लहर। चेलों ने कहा ये कौन है? आंधी पानी तूफान इनकी बात मानते हो, कौन है? आगे निकले, नाव पार करके बाद निकले, कब्रों में से एक बंदा आता, ये सब चेले निकल और वो कब्र में से आता झड़ाने, ए प्रभु परमपिता परमेश्वर के पुत्र तुझको हमसे क्या काम? ये यीशु वो खुद नहीं बताएगा, सुन इससे ये जानते हैं मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड, आत्माएं जानती हैं हैं, और ये साथ में रहते हैं, ये साथ में रहते हैं, इन्होंने कई मुर्दे उठा तो देखे, इनसे सुन क्या कहता है वो, ए परम प्रधान के पुत्र पुत्र मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे मुझे छोड़ दे, है ना? उसकी बात पढ़िए साहब, क्या बात है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था हे अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल जा। यस, निकल जा, मुझे मत निकाल। ये दूसरे कहा पिता परमेश्वर का बेटा तुझको मुझसे क्या काम? बेचारा जैसे वो कब्रों में रहता था, उसको सांगलियों से मानते हैं, फिर भी तोड़ ताड़ के निकलता है। हम लोग भी रहते हैं, हमको पता नहीं होता है, हमको लगता है हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें पता नहीं होता है हम भी कब्रों में रहते हैं, क्योंकि मैं रह चुका हूं, मुझे पता है ना, मेरा घर पूरा कब्रिस्तान था। रात को कुछ लोग निकलते हैं ना मोटरसाइकिल पे, सब लोग को परेशान कर, उसको 1 किलोमीटर तक देखते हो चला भी गया, ये कौन था यार, क्या तकलीफ उसका? जब अंधेरा होता है निकलता ही, वो बेचारा एक जगह घुस गया, डक 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 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद वहां से निकला, तपा 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 मोटरसाइकिल उतर और ये बाहर। लहू लुहान टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आ गया। एक ने पूछा क्या हुआ? अबे यार ये कौन सा रोड है यार, इतने स्पीड ब्रेकर मैंने जिंदगी में नहीं देखे यार, मेरी गाड़ी टूट गई, मैं परेशान हो गया, इतने स्पीड ब्रेकर से कौन सा एरिया है? अबे एरिया नहीं, ये कब्रस्तान है, तू कब्रों में से जा रही है। ये फिर क्या कहता भाई? हे अच्युत आत्मा निकल जाए इनमें से, इस मनुष्य में से निकल जा। हाँ जी, और उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज, वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा है। उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सूरों में भेज दे, उस सूरों के झुंड में भेज दो कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 10,000 का था कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब गया।
एक एक सुअर परेशान है और समंद में तड़प तड़प कर मर गए, है ना। 2000 सुअर तड़प तड़प कर मर गए, 2000 आत्माओं को लेके वो एक एक सुअर तड़प तड़प के मरे। और ये चचा जो है 2000 आदमियों को लेके घूम रहा है। बोलिए कितना खतरनाक है, क्या कैपेसिटी है। खुदा ने इंसान को कितना ताकतवर बनाया है, जरा सोचिए। हम में कितनी ताकत है, उन्होंने अपने स्वरूप बनाया है, उन्होंने फूका है, कितनी कैपेसिटी है। हाय पॉल कहते हैं तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हम परमेश्वर को रहने नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2000 लोगों को अंदर घुसड़ के बैठे हुए हैं। ये कभी सोचा आपने? हाँ भाई, तड़प के। अब ये सांकल या चैन नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा भाई, बताइए कितनी ताकत होगी। अंदर सेना पड़ा हुआ है। देखिए फिर क्या होता भाई, वो सुवर वाले परेशान हो के आगे। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। चला जा तू, है ना, तू सीमा से चला जा। और ये साहब बैठे हुए थे वहां पे, 2000 आत्माएं निकल गई, सुअर सब मर गए, इसको कपड़ा उड़ा दिया। ये भाई साहब बैठे हुए सीधा, पूरा वजन निकल गया ना भाई। ये जो चरवाहे थे उनको पड़ी नहीं उस आदमी से, ना यीशु से। यार सुअर तो मर गए, लेकिन ये जो आदमी चीखता था चिल्लाता था पहाड़ों में चिल्लाता था, ये आदमी सीधा हो गया। यार ये हो क्या गया है, ये सब उनको उससे पड़ी नहीं थी। हमारा नुकसान हो गया, तुम यहां से निकल जाओ, है नहीं। उन्होंने विनती की तुम निकल जाओ यहां से। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो बेचारे जिसके अंदर से निकल गया, खाली हो गया बेचारा गरीब। जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो जिसमें पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा यीशु से, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। पढ़िए एक बार फिर से, क्या बात है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिए। देखिए खुदा जो मुझे रिवील करता है वो मैं बताता हूं, मैं किसी से सुन के नहीं बोलता हूं। तब वो जिसमें पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हाय हाय हाय, परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए, वाह कितना बड़ा काम किया, जाके लोगों को बता। पहले घर जा, गो होम। और बाइबल में पढ़ी इंग्लिश में, गो होम। उसने कहा था प्रभु मुझे अपने साथ रख, नहीं घर जा। ये जो भी बत्ती का चक्कर किया ना शैतान भाई ने, ये शैतान जो है ना ये चिड़ गया, उसको मालूम उसके बारे में बोलने वालों में। खुदा घर बनाता है, am I right? खुदा घर बनाता है और शैतान तोड़ता है। शैतान का काम है तोड़ना, शैतान का काम है तोड़ना। ये आपने हमेशा आप सुना है, सुनते रहते हैं। शैतान घर बनाता है, खुदा घर बनाता है, घर बसाता है, और शैतान का काम है तोड़ना। यीशु ने कहा मेरे साथ नहीं, अपने घर जा, घर जा। क्योंकि शैतान जो है ना घर का फाउंडेशन हिला देता है। तब ये बेचारा वहां से निकल के कब्रों में आ गया। अब आप सोचिए ये जब घर गया होगा वापस, ये घर गया उसके बाद में प्रचार करने लगा होगा, यीशु के बारे में कहने लगा। जब ये घर गया होगा उसकी बीवी उसको देखकर घबराई होगी पहले, ये मेरी इमेजिनेशन है, मैं सोचता हूं उसकी बीवी घबराई होगी, देखी होगी ये फिर आ गया, मारेगा तो नहीं, ये बिल्कुल चेंज है यार, कपड़ा ओढ़े हुए आया हुआ। अरे बाप रे, बिल्कुल चेंज है उसकी बीवी। और ये गरीब अपनी बीवी को देखा होगा और रियलाइज किया होगा, मैंने इसको कितनी तकलीफ दी, कितना परेशान किया मैंने, इसको मैं मारता था,
इस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाता था, शक करता था, बुरी बुरी बातें कहता था, बच्चों को मारता था। मैंने माँ बाप को हैरान किया, उनको तकलीफें दी, पड़ोसी मेरे से परेशान थे, ये वो सबने देखा होगा। ये उसने औरत से माफ़ी भी मांगी होगी, औरत ने से माफ़ भी किया होगा, रोई होगी कि मेरा पति ऐसा नहीं था, ये कैसे हुआ? उसने बताया होगा, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया।